दर्शकों नमस्कार। शिव पुराण के इस नए एपिसोड में द डिवाइन टेल्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि सभी देवताओं में भगवान शिव ही ऐसे देव हैं जिनकी लिंग और मूर्ति दोनों ही स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही आपने ये भी देखा था कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका क्या महत्व है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना कैसे की। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शिव पुराण की ये दिव्य कथा शुरू करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव का आदेश मिलने के पश्चात परमपिता ब्रह्मा ध्यानमग्न हो सृष्टि की रचना का विचार करने लगे और फिर उन्होंने जल में अपनी अंगुली डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला, जिससे वहां एक अंड प्रकट हुआ, परंतु उसमें कोई चेतना नहीं थी। जिसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा संशय हुआ। तत्पश्चात वे अत्यंत कठोर तप करने लगे। फिर 12 वर्ष बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि स्वयं प्रकट हुए और उनसे बोले, हे ब्रह्मा, तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। भगवान सदाशिव की कृपा से आज तुम जो भी मांगोगे वो सब मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, ये विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा और जड़ीभूत दिखाई दे रहा है। हे नारायण, इस समय आप भगवान शिव की कृपा से यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतना लाइए। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर विष्णु जी ने अनंत रूप का आश्रय लेकर उस अंड में प्रवेश किया। उन्होंने धरती को सब ओर से घेर लिया और उस अंड को व्याप्त कर लिया। तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। फिर ऐसा लगने लगा कि मानो तीनों लोकों में उस अंड के रूप में साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे हैं। ये देखकर पुनः ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना की इच्छा का चिंतन करने लगे। उस समय पहले मुझ में अनजाने में ही पाप पूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। फिर स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई। तदनंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। उसके बाद सनक सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई। सनक आदि ब्रह्मा जी के मानसपूत कहलाए, किंतु वे सभी महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत कथा पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता और उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश देने पर भी सृष्टि के निर्माण करने से मना कर दिया। ये सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ गया और फिर उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए ब्रह्मा जी से कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। उसके बाद श्रीहरि के आदेशानुसार परमपिता ब्रह्मा भगवान शिव के नाम से महागौर एवं उत्कृष्ट तप करने लगे। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए उनकी बौहें और नासिका के मध्य भाग से सर्वेश्वर एवं दयासागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। ये देख ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। ये सुनकर देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों की सृष्टि की। तब फिर ब्रह्मदेव बोले, हे देवादिदेव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। तब सदाशिव ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापते, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव ने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवादिदेव महादेव की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अथर्ववेद की रचना की, जिसके बाद उन्होंने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और स्थापत्व आदि उपवेदों की रचना की। फिर अपने मुख से इतिहास पुराण उत्पन्न किया और फिर योग विद्या, दान, तप, सत्य, धर्म आदि की रचना की। अंत में उन्होंने अपने हृदय से ओंकार, अन्य अंगों से वर्ण, स्वर, छंद आदि तथा क्रीड़ा से 7 सुर प्रकट किए। परंतु इन सब की रचना के बाद जब उन्हें लगा कि सृष्टि में वृद्धि नहीं हो रही है, तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भागों को विभक्त कर दिया, जिनका नाम का और या, यानी कि काया हुए।
उन्हीं दो भागों में से एक से पुरुष तथा दूसरे से स्त्री की उत्पत्ति हुई। पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा था। इसी मनु और शत्रुपा ने मानव संसार की शुरुआत की और ऐसा माना जाता है कि मृत्यु लोक में निवास करने वाले हरेक मनुष्य इन्हीं दोनों की संतानें हैं। तो दर्शकों, शिव पुराण की ये कथा आज तो यहीं समाप्त होती है, लेकिन इससे आगे की कथा हम जल्द ही लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।